पोरबंदर रियासत। पोरबंदर साम्राज्य हनुमान वंश के राजपूत जेठवा राजवंश के शासकों द्वारा शासित एक राज्य था, जिसे 13 तोपों की सलामी दी जाती थी। यह जेठवा पहले घुमली में राज करते थे, बाद में छाया और पोरबंदर जेठवाओं की राजधानी बनी। यह पोरबंदर के अंतिम राणा साहेब श्री नटवर सिंह जी जेठवा, जो पहली क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं। पोरबंदर के युवराज ने सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक की शुरुआत की, जो आज पूरे गुजरात में है। यह जेठवा वंश जो कश्मीर, मोरबी, द्वारका, नागना बंदर आदि और ऐसी तो कई जगहों पर शासन कर चुके हैं। महाराणा विक्रमादित्य जेठवा, जिसने पोरबंदर में कई सारे मंदिर का निर्माण करवाया है। पोरबंदर के राजमाता रूपाली बा ने रूपाली बा तालाब का निर्माण करवाया। पोरबंदर के अंतिम राणा नटवर सिंह जी, जिसने रविवार की जगह सोमवार को छुट्टी दिन घोषित करके ब्रिटिश कायदे का भंग किया। राणा नटवर सिंह जी ने महाराणा मिल के लिए अपनी जमीन दी। नटवर सिंह जी ने पोरबंदर चौपाटी का सुवर्ण निर्माण किया। उसी चौपाटी में विशाल हुजूर पैलेस का निर्माण किया। नटवर सिंह जी ने महल को कॉलेज शिक्षण के लिए दान में दिया। आज भी पोरबंदर की प्रजा राणा नटवर सिंह जी को याद करती है। पोरबंदर में एकमात्र श्री कृष्ण के मित्र सुदामा का मंदिर है। हनुमान वंशी जेठवा राजपूत इतिहास। जेठवा राजपूत हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज के वंशज है। मकर ध्वज पाताल नगरी के राजा थे, बाद में राजस्थान से कश्मीर तक राज करते थे। मकर ध्वज के पुत्र मोरध्वज ने मोरबी नगर बसाया। मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज ने पांडव अर्जुन को हराया था। राणा सांगाजी जेठवा को प्रथम राणा का बिरुद मिला, तब से जेठवा को राणा बिरुद दिया गया है। राजमाता कलाबा ने छाया में राजमाता कलाबा महल का निर्माण करवाया। राणा सरतानजी जेठवा ने भेटांत के किले का निर्माण करवाया। राणा नागजी जेठवा, जिसने नागना बंदर यानी कि अभी का जामनगर बसाया और वहां राज किया। राणा शैलकुमार जी जेठवा, जिसने घुमली की स्थापना की और जेतावाव का निर्माण किया। राणा वराह कुमार जेठवा के भाई श्री गोप कुमार ने पर्वत के ऊपर गोपनाथ महादेव का मंदिर बनवाया। तब से वह पर्वत गोपना डूंगर नाम से प्रसिद्ध है। राणा भीम कुमार जेठवा ने भांडवल के पास भीमकोट किले का निर्माण करवाया। धकोजी जेठवा, जो घुमली के राणा के भाई थे, वह जेठवा के मोरबी राज्य में रहे और राज टनकारा में धोका वाव का निर्माण करवाया और वानकानेर के पास में जडेश्वर महादेव का निर्माण करवाया। राणा चांपसेन जी जेठवा घुमली के राजवी थे। उसके समय में अजमेर के चौहान राजवी ने अपनी राजकुमारी का स्वयंवर रखा था। उस स्वयंवर में से हंसा कुमारी को जीत के उसके साथ विवाह किया था। राणा सगजी जेठवा, जिसने धानध्रा की ईशान दिशा में स्थित खटाई गांव से युद्ध करके विजय प्राप्त किया। यह युद्ध के कारण वहां के एक पर्वत की धार जेठवा की धार के नाम से प्रसिद्ध है। राणा विकयोजी जेठवा भानवर के पास विकयावाव का निर्माण करवाया। राणा नागार्जुन जी जेठवा, जो ढाक के राणा थे, उसने ढाक नगर को पूरे सोने से बनवाया था। राणा नागार्जुन जी जेठवा का मस्तक कट गया, फिर भी धड़ लड़ता रहा और सेना को भगा उठाया। राणा खीमाजी जेठवा, जिसने पोरबंदर को राजधानी बनाई और शीतला चौक में गढ़ का निर्माण किया। जेठवा राजवंश समग्र भारत की रियासत में से एकमात्र ऐसा राजवंश है, जिसने 1260 वर्ष की सिद्धि राजाशाही की है।